दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लाइफ में हमारे पास कभी ना कभी ऐसा लगता है कि दो या तीन ऑप्शंस हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन लें। तब जरूरत पड़ती है पावर ऑफ इंट्यूशन की कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लें तो ये बेटर होगा, किससे शादी करें, इस लड़के से या इस लड़की से। ये डाउट आता है जब हमारे पास दो या तीन जॉब ऑफर्स हों कि कौन सी कंपनी में जॉब करें तो वो बेटर रहेगा। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि हम किस तरह किसी से एक ऐसी पावर मिल जाए जो हमें हमारा फ्यूचर दिखा दे, जिससे हम बेटर डिसीजन ले सकें। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ इंट्यूशन। पर आजकल हम इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास ये पावर ऑफ इंट्यूशन आती ही नहीं। सो कैसे जागृत करें इस पावर ऑफ इंट्यूशन को? हमारे पास हमारी बॉडी में चार ब्रेन हैं। यस, हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारे पास एक ब्रेन है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम अपने इन चारों ब्रेन्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे रिसीव कर सकते हैं सिग्नल्स इस यूनिवर्स से, और कैसे जान सकते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रेन की जिसको हम सब ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन हमारे को बहुत हेल्प करता है सारा दिन। ये बीटा स्टेट में रहता है और जब हम इसको अल्फा स्टेट में ले जाते हैं तब ये हमारे को हेल्प करता है हमारे इंट्यूशन के पावर्स को जागृत करने के लिए और हमारे को आंसर्स देता है। सो द ईजीएस्ट वे इसको अल्फा लेवल पे लेके जाने के लिए वो है जब हम किसी से हिप्नोसिस करा लें। सो ड्यूरिंग द हिप्नोसिस स्टेट हम अल्फा लेवल में होते हैं और हमारा ब्रेन हमारे को बहुत अच्छे से आंसर्स देता है। पर रोज हम कैसे एक्टिवेट करें इसको? तो जब हम सुबह सो के उठते हैं उस टाइम भी हमारा ब्रेन अल्फा लेवल में होता है, पहले आधे घंटे में। अगर हम शांत स्थिति में हैं या फिर रात को सोने के टाइम जब हम नींद में पहुंच रहे हैं और अभी पूरी तरह से सोए नहीं हैं, हमारा बीटा वेव स्लो हो जाती हैं और हम एक अल्फा लेवल में चले जाते हैं। सो ये दो टाइम होते हैं दिन के जब सुबह सुबह हल्की हल्की हमारी नींद खुलती है पर अभी हमने आंखें नहीं खोली होती, और उस समय से अगले 15-20 मिनट से आधा घंटा तक अगर हम अपना उठते सार मोबाइल नहीं एक्सेस करते, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते तो हम अल्फा लेवल में रहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रात को सोचते हुए आपने सो जाना है और सुबह जब आप उठेंगे यू विल जस्ट से इन दैट हाफ स्लीप हाफ अवेकन स्टेट कि रिवील माय आंसर्स टू मी डियर यूनिवर्स। जैसे ही हम ये यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिवर्स हमें हमेशा जवाब देता है। सो रात को सोने के टाइम हमने अपना क्वेश्चन यूनिवर्स से कह देना है और सुबह हमने सिर्फ इतना ही कहना है, रिवील आंसर्स टू मी डियर यूनिवर्स। इतना कहने के बाद आपने शांत स्टेट में ही रहना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं, और ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स रिवील होने शुरू हो जाएंगे। ये रही पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक हमारी होती है, दूसरा ब्रेन है हमारा गट ब्रेन। नाउ गट ब्रेन इज़ वेरी वेरी पावरफुल, जिसको हम अक्सर कहते हैं माय गट फीलिंग। सो हम जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और उससे हमारी बात हो रही होती है, चाहे वो ऑफिस का मामला हो, चाहे वो किसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए हो, तो उस टाइम भी जब हम किसी से मिलते हैं हमारे को एक गट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आई फील दिस जॉब इज़ गुड फॉर मी, आई फील दिस पर्सन इज़ फॉर मी, आई फील आई नीड टू डू दिस जॉब। बट
आजकल देखा गया है कि गट फीलिंग बहुत कम हो गई है. सो कैसे एक्टिवेट करें इस गट फीलिंग को? वेल, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये हमारे गट के बैक्टीरियाज को मार देते हैं. जितना फ्राइड फूड है, चिप्स हैं, कोलास हैं, चीज़ेस हैं, सो ये सारी चीज़ें हमारे 1,00,000,000,000,000,000 गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मार देते हैं. और अगर इनको आपने एक्टिवेट करना है तो सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं अगर हम हेल्दी ग्रीन जूसेस पीते हैं, जो कि घिया हो गया, उसमें आपने कोई बेल जूस मिला लिया, आपने क्यूकम्बर मिला के जूस बना लिया, उसमें आपने एलोवेरा डाल लिया. तो ऐसा सा रोज एक ग्लास जूस पिए और कोशिश करें कि रोज रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करना. जैसे हम ये करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली गट के बैक्टीरिया वापस जीवित होना शुरू हो जाते हैं और ये गट बैक्टीरिया हमारी गट फीलिंग को वापस एक्टिवेट कर देते हैं. सो विद इन अ वीक्स टाइम यू विल रियलाइज दैट योर गट इंट्यूशन पावर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग अमेजिंगली. नंबर 3 पे आती है हमारी स्किन. आपने अक्सर फील किया होगा आप कोई नए इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो आपकी स्किन से, स्किन हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन है और ये स्किन से हमारे को वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं. किसी भी माहौल में जब आप आ जाते हैं तो आपको फील होता है इस जगह का माहौल अच्छा है या यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं है. सो ये कैसे पता चलता है? ये वाइब्स हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है और हम इस स्किन को भी, इस इंट्यूशन को हम खींच लेते हैं, ये स्किन के ब्रेन को हम डेड कर देते हैं जब हम इस पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं. जितने भी सनस्क्रीन आजकल आ गए हैं 50 SPF लेवल के, 25 SPF लेवल के, जो हम अपनी पूरी बॉडी पे लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, तो हम ये केमिकल्स जब यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली तो हमारी स्किन की जो ब्रेन पावर है, जो वाइब्स इकट्ठे करने की ब्रेन पावर है, वो मर जाती है. सो अगर आपने अपने स्किन के ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो स्टॉप यूजिंग दीज केमिकल्स ऑन योर स्किन. नथिंग विल हैपन. ओवर द ईयर्स, ओवर सेंचुरीज, पीपल हैव बीन वर्किंग इन द सन एंड एब्जॉर्बिंग द गुड विटामिन डी फ्रॉम द सन एंड नथिंग हैपन्स टू देम. It is all our thought processes programmed by the different ads that we see, that we think that we need to apply these sunscreens and other chemicals on our face also. So reduce the cosmetics that you use and automatically you'll see that your skin brain is also getting activated to give you the powerful vibes. The next brain is, the fourth brain is in our heart. In our heart, there are 40,000 cells that correspond just like our brain cells. Now, this heart consciousness gets activated with the supreme power of the universe, the God, the Creator who created us. Now, how do we activate the heart consciousness, the heart brain? Well, the easiest way is to do meditation regularly. When in a meditative state, we go into a deep trance-like state, we get connected to the universe, and then without saying anything, even without asking the question, the Creator understands what is going on in our mind and starts revealing the right answers to us. So start doing these 4 things and see, for every question, the silent answer starts coming from the universe. We start getting gut feeling, we start getting the vibes, our consciousness interacts with the divine energy and we start receiving the positive intuitions of our life that help us to live a better future. If you like this video, please share it with your friends and do subscribe my video to get more updates. Hope you enjoyed this video.